भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण में राहुल गांधी कांग्रेस नेता अशोक चौहान की जागीर नांदेड़ में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। अशोक चौहान के प्रवक्ता अभिजीत देशमुख के मुताबिक बुधवार को नांदेड़ जिले के नेताओं की बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि चौहान और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मणिकराव ठाकरे ने यात्रा की व्यवस्था पर चर्चा की है। अभिजीत देशमुख ने कहा है कि यात्रा 7 नवम्बर को देगलुर में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, जहां से यह नांदेड़ जाएगी। इस दौरान राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट महाराष्ट्र चरण का समन्वय करेंगे और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले के साथ उनके सामने गांधी की जनसभाओं में पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती होगी। आणि हा 2 महिन्यानंतर आज नोव्हेंबर महिन्यामध्ये त्यांचं आगमन आहे। आत्तापर्यंत 1000 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास त्यांचा झालेला आहे। रोजचं साधारण 22 किलोमीटर रोजचा प्रवास आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये जवळपास 120 किलोमीटर प्रवास आहे आणि सुरुवात देगलूरपासून ते नांदेड आणि नांदेडपासून अर्धापूर मार्गे हिंगोली असा कार्यक्रम त्यांचा नियोजित आहे। राहुल गांधीजींचं मोठ्या प्रमाणात स्वागत व्हावं, जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी होता यावं या पदयात्रेमध्ये।